और मेरे यार क्या हाल चाल है यार। चलो बिना टाइम वेस्ट करे एकदम सीधे शुरुआत करते हैं कि अगर आपको अपने GTA 5 जैसा ताबड़तोड़ गांड फाड़ गेम अपने मोबाइल में खेलना है तो आप कैसे खेल सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है अपने सबसे फेवरेट ब्राउजर में, वैसे ये तो नहीं है मेरा फेवरेट ब्राउजर, और आपको ओपन कर लेना है इनकॉग्निटो मोड, क्योंकि हम लोग कुछ काले काम करने जा रहे हैं तो इनकॉग्निटो मोड इज नेसेसरी। आपको यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड GTA 5 इन एंड्रॉइड, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ये बेंचर पता नहीं ये पीछे हॉर्न की बजा रहा था, तो देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। तो आप अगर इनमें से किसी भी साइट पर अगर आप क्लिक कर देते हो एंड ये सोच रहे हो कि मैं गेम को मैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके मैं चला लूँगा, तब आप सबसे बड़े चूतिया बन चुके हो। मजाक में बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो तुम कुछ सोचो, ये जो GTA 5 है उसका साइज कितना है, नियर अबाउट 100 GB के आसपास है, ठीक है, क्योंकि करंटली तो 100 GB के आसपास ही है। तो आप उसको कैसे अपने इस छोटे से मोबाइल में आप कैसे चलाओगे, कुछ सोचो। उसको चलाने में एक नॉर्मल से कंप्यूटर की भी हालत ख़राब हो जाती है, तो आपका ये जो मोबाइल है छोटा सा जिसपे आप इतनी सारी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप VPN लगा के देखते हो, आप उसमें कैसे कर पाओगे। तो प्रैक्टिकली तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, कुछ और टाइम लगेंगे जब तक कि ये और ज़्यादा तगड़े प्रोसेसर वाले फ़ोन्स नहीं आ जाते हैं। मगर क्या आप खेल सकते हो, तो इसका जवाब है हाँ आप खेल सकते हो, क्योंकि एक चीज़ होती है क्लाउड गेमिंग नाम से, एंड GeForce जैसे कंपनीज ने अपने खुद के ऐसे ऐप्स लॉन्च किए जैसे GeForce Now, तो वहाँ से आप क्या करोगे, आप वहाँ से अगर आपने स्टीम पर कोई गेम खरीद रखा होगा या फिर गेम्स पे अपने कोई गेम खरीद रखा होगा, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप GeForce Now ऐप को ओपन करके वहाँ से खेल सकते हो। तो इसमें होगा क्या, अब इसके पीछे की जो कुछ भी साइंस है आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हो, और तभी मैं आपको एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो इसमें असली में जो गेम होता है ना, वो किसी दूसरे लैपटॉप में चलता रहता है, एक हाई सर्वर में चलता रहता है, और आप उसको अपने मोबाइल से कंट्रोल करते रहते हो। देन आपको ऐसा फीलिंग आता है कि आप वो जो गेम है वो अपने मोबाइल में खेलते हो। तो उसका ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, एंड थोड़ा रुको यार, सब्र करो, आ जाएगा, कुछ टाइम लगेगा मगर आ जाएगा GTA 5। मुझे पता है कि बहुत सारे एक्साइटेड रहते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा तड़पा हूँ उस गेम के पीछे यार। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।